और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी लेके आई हूँ आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार से चॉकलेट केक इसको बनाना बहुत ही आसान है इसको बनाने के लिए हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा केक बनेगा तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट केक जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट तो सिंपल हम थर्टी सिक्स ओरियो बिस्किट्स एक चॉकले में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेंगे बिस्किट्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाइन पाउडर बना लेना है तो बिल्कुल अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया चॉप कर लिया है इसको हम निकालेंगे एक बोल में देखिए यहाँ पे बिल्कुल बिस्किट्स का इस तरह से पाउडर बन जाएगा तो ये अच्छे से हो गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप दूध तो यहाँ पे सिंपल उबला हुआ दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऐड कर लें और दूध ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इस पूरे बैटर को एक जान करना है तो थर्टी सेकेंड्स के लिए एक वेस्ट की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जी देखिए बिल्कुल अच्छे से बैटर जो है वो एक जान हो गया है अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें ऐड करना है राइजिंग एजेंट बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हम यहाँ पे वन टी स्पून और साथ ही हम यहाँ पे वन टेबल स्पून पानी ऐड करके बेकिंग पाउडर को एक्टिव कर लेंगे तो देखिए इसमें झाग बनेगी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस केक की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बगैर इंग्रेडिएंट्स मेजर किए बहुत ही आसानी के साथ बिस्किट्स को काउंट करके एक केक बना सकते हैं और जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही बेस्ट होता है ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही अच्छा कोई चॉकलेट केक है तो जी ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम पैन तैयार कर लेंगे तो सिंपल हम कोई भी राउंड बेकिंग पैन लेंगे पांच से छह इंच का और ऑयल की मदद से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे अब हम पैन के साइज का बटर पेपर कट करके इस पे लगा देंगे इस तरह से पैन को सेट करके अब हम इसमें केक का बैटर ऐड करेंगे हम इसको बेक करेंगे विदाउट ओवन एक पतीली में तो उसके लिए सिंपल हम हल्की आंच पे एक पतीली को पूरे हीट कर लेंगे इसमें हमें सिंपल एक स्टैंड रखना है स्टैंड पे केक का पैन रखेंगे और इसको कवर करके के केक को बेक कर लेंगे फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे तो केक बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगा एग्जैक्टली फोर्टी फाइव मिनट्स हो चुके हैं मैंने टाइमर लगा दिया था अब केक को चेक करेंगे इस तरह कि स्कीवर की मदद से इस पर कोई बैटर नहीं लगा हुआ इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है केक को अब हम ठंडा कर लेंगे और अब हम तैयार कर लेंगे चॉकलेट सॉस तो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे वन फोर्थ कप कोको पाउडर आधा कप आइसिंग शुगर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप पानी और पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको हल्की आंच पे पकाएंगे हल्की आंच पे हमें इसको इस तरह मिक्स करते हुए पकाना है तब तक जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए तो ये अच्छे से थिक हो गया यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस है चॉकलेट सॉस रेडी है इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अब जो हमारा केक था ना वो भी ठंडा हो गया है इसको हम पेन से निकाल लेंगे एक नाइफ की मदद से केक को पेन से अलहदा कर लेंगे इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे उसको फ्लिप कर लेंगे पेन को हटा लेंगे और फिर बटर पेपर हटा लेंगे केक को एक जाली पे रखेंगे और इसके ऊपर ऐड कर लेंगे चॉकलेट सॉस अच्छे से स्प्रेड करते हुए केक को हम एक डिश में निकाल लेंगे और इसको गार्निश कर लेंगे जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनसे तो मैं सिंपल इसको वेफर और चेरी से गार्निश करूंगी और केक पे जो भी आप लिखना चाहें वो सिंपल आप किसी क्रीम से लिख सकते हैं तो जी यहाँ पे मैं बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट केक जो है वो बिल्कुल रेडी है खाने में ये बहुत ही यमी होता है तो अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकती है बिल्कुल फ्री है